किराए का जब मकान लिया जाता है, किराए का जब अपन मकान लेते हैं तो किराए का मकान जब लेते हैं तो मकान मालिक तीन शर्तें रख देता है। पहला, किराया समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान को साफ सफाई रखना पड़ेगा। और तीसरा, मैं जब बोलूं तब खाली करके जाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि गलत है? किराए का मकान जब हम लेते हैं तो किराए का मकान लेते समय मकान मालिक एक बात कर हमको भेजता है, तीन शर्तें मकान मालिक रखता है। पहला, किराया बोलते जाओ जम के समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयत रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। अभी मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक तीन शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक तीन शर्त देकर आपको मकान देता है, ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है और उस परमात्मा ने तीन शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो क्या भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना, अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई विकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्त जाना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया पे खाने करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाने करना पड़ेगा। यहाँ से जाना है, यहाँ से पहुँचना है, यहाँ से निकल जाना है, परिंदा उड़ जाना है, पक्षी चले जाना है। अरे जिनकी जमीन होगी, जिस जमीन पर ये कथा हो रही है, जिनकी जमीन होगी, जरा अपने किस्मत की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना करना कि दुनिया के लोग खेती कर रहे होंगे पर तुम्हारी जमीन पर अगर पार्किंग हो रही है, तुम्हारी जमीन पर अगर कथा हो रही है, भक्त आकर अपना पांव रख रहे हैं तो तुम्हारी और तुम्हारी कत्तर पीढ़ी की जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक है तुम्हारा जीवन? कई गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन छोड़ दी, यहां गाड़ियां खड़ी कर लो, यहां आ जाओ। कई कई माताओं से गांव के लोगों ने अपना अपना बोर चालू कर दिया, पाइप लगा दिया, यहाँ पानी पियो, यहाँ नहाओ, कोई चिंता नहीं है, सब भोलेनाथ का है, आप आराम से खाओ। और कई चीज की जरूरत होनी ना तो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले, कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे बता देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करना। तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे ओमकारेश्वर बाबा के मेहमान बनकर कथा सुनने आए। वहां कथा सुनने नहीं, कहीं पर भी कथा होगी वहां यजमान कथा कराता है, पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब कथा होती है तो वहां यजमान कथा नहीं कराता, वहां का भगवान कथा करवाता है, स्वयं देवदेव महादेव कथा करवाता है। उसके तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, उसकी कृपा ना हो जब तक वो ना चाहे तब तक यहाँ परिंदा नहीं परमार सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये तो उसकी कृपा है। प्रसन्न होना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, बड़ी। और महाराज 7 दिन की नमस्तुभ्यम को झोली से उंडेल करके दूंगी और मेरे घर में इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बिखेर दूंगी, इतना बिखेरूंगी कि 3 महीने में पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचेगा, इतना बिखेरूंगी। ये आपका फर्ज है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के पड़ोसी, अड़ोसी, धड़ोसी, जो भी आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनकर जाने के बाद वहां पर जाकर चर्चा करना चाहिए, हमने शंकर की कथा में ये सुना था, हमने शिवजी का भजन ऐसा करा था, हमने भगवान के विरल भक्ति को धारण करा था। पूरी कथा में से जो तुमको अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारो, तो पूरी कथा में से जो बात अच्छी लगे उसको अपनी जिंदगी में उतारो, तुम्हारे को पूरी कथा में से जो अच्छा लगे वैसा अपना जीवन में उतारो, जो तुमको अच्छा नहीं लगे उसकी निंदा नहीं करना, उसको उठाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा बस एक बार नर्मदा जी में उसको डालते हुए चले जाना कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें ये बात श्रेष्ठ नहीं लगी, महाराज जी ने यह बोला था हमको अच्छा नहीं लगा, तो उसको बटोरो और नर्मदा जी में दो, पवित्र नदियों में उसको पटक दो, और अपने को जो अच्छा लगा वो अपनी कटरी में बांध लो और उसको जिंदगी भर अपने पास रखो कि मैंने शिव महापुराण की कथा में से ये ग्रहण किया था और वो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, वो मेरे जीवन को आनंदित कर सकता है। और कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी कोई नहीं बुला सकता, कोई किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि कोई काशी बुला ले, ओंकारेश्वर बुला ले, उज्जैनी बुला ले, सोमनाथ बुला ले, मल्लिकार्जुन बुला ले, कोई वैद्यनाथ बुला ले, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है, ये तो सामर्थ्यता मेरे शिव की है, ये सामर्थ्यता मेरे भोलेनाथ की है, ये सामर्थ्यता मेरे उघड़दानी की है। कल ये यजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा होता हम वापस यजमान बन जाए, ऐसी कृपा कर, शिव कृपा इसी।
आपकी एक भक्ति। तीन तीन शर्तें हैं मकान मालिक की, तीन शर्तें हैं, बोलते जाओ जल्दी से। पहली शर्त क्या थी, जम के बोलो, किराया समय पर देना। दूसरी साफ सफाई, मकान अच्छा रखना। देख खिड़की टूट जाए तो खिड़की सही करवा ले, दरवाजा टूट जाए तो दरवाजा सही करवा ले। और लोगों ने करवाया ऐसा नहीं, मकान की देखरेख तो तुमने बहुत जोरदार करी है, बहुत जोरदार, पूरे मकान पे तुमने खूब खर्चा करा, किराए के मकान पे खूब 40-40 रुपए का तो साबुन, 80 रुपए का क्रीम, और ना जाने कौन कौन सी चीज भगवान। और किसी किसी की तो छत सियोर बारे महाराज जैसी पूरी टीनी उड़ गई, किसी किसी का फर्श बेकार हो गया तो पाँव में भी क्रीम लगा लिया, क्रेक क्रीम पाँव में, फर्श बेकार। किसी किसी की खिड़की बेकार हो गई, किसी का पूरा सोफा सेट निकल गया, किसी किसी के दरवाजे बेकार हो गए। और फिर भी कई कई तो ऐसे हैं कि वो किराए के मकान में अगर 10-20-50 साल रह लेना, 60 साल रह ले, तो क्या क्या, ये तो हमारा मकान, मकान मालिक के छोड़ना पड़ेगा। नहीं, काहे को छोड़ो, ये तो मेरा है, मैंने टीन सही करवाई, मैंने फर्श सही करवाया, मैंने खिड़की सही करवाई, दरवाजा सही करवाया, ये मकान तो मेरा है। लड़ाई हुई किराए के मकान के मालिक से, लड़ाई हो गई, मालिक ने जो केस लगाया, और केस लगाया तो आखिर में पुलिस वाला आया, धक्के मार के निकाल के चले गया। उसी तरह मकान पर तुम क्यों नहीं, हम ये तो शरीर हमारा, हम तो इसको 30 साल से खूब नवा रहे, दुआ रहे, खूब जोरदार कपड़े से सजा रहे, और खूब जोरदार जोरदार इत्र प्रफुल्लित सब लगा रहे, अब तुमने तो सोच लिया कि हमारा, इतने में ऊपर केस चला, और केस चलाने उन्हें धक्का मार के निकाल, और निकाल दिया बाहर, शरीर खाली पड़ा, पिंजरा खाली पड़ा, और उड़ गई आत्मा। बस दूसरी शर्त यह है कि मकान को साफ रखना, मकान को साफ रखना, और मकान साफ होना चाहिए। मकान को साफ रखने का प्रयास करो अंदर, अपने भीतर कहीं कपट मत आने देना, अपने भीतर कहीं बेईमानी नहीं आने देना, अपने भीतर कहीं व्यभिचार नहीं आने देना, अपने भीतर किसी के प्रति गलत सोच मत आने देना। कोई तुमको गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर उसके प्रति कभी गलत विचार मत आने देना, गलत सोच मत आने देना, और तुम्हारी वाणी को कभी गलत मत करना। तुम्हारे लिए कोई कितना भी गलत सोचे, दिन भर बैठ कर अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमको कोसे भी ना, तो भी तुम कहना भगवान मेरी पड़ोसन का कल्याण करना, ऐसी सवेरे सवेरे कोसने वाली मुझे कहां मिलेगी प्रभु, ऐसी कृपा करना, इसका भी कल्याण करना। तो सबके लिए अच्छा सोच, सर्वे भवन्तु, सबके लिए अच्छा। और होठों पे लिखना नाम प्रभु का, जिभ्या पे लिखना नाम प्रभु का। ये जिभ्या पर गाली मत लिख देना, ये जिभ्या पर फालतू की चीजें मत लिख देना, ये जिभ्या पर किसी को अपशब्द कहने का मत लिख देना। इस जिभ्या पर लिखना तो केवल भगवान का नाम लिखना, और मेरे ओंकारेश्वर बाबा आपके चरणों का दास हूँ, और आप भी कहना मैं आपके चरणों की दासी हूँ। इतनी कृपा करना कि इस वाणी से केवल भजन हो, लोगों का कल्याण हो, और लोगों के आनंद की बात हो, कभी किसी की निंदा मेरी जिभ्या से, मेरी वाणी से कभी ना हो, कभी नहीं, कभी। और अंत समय प्रभु आना वचन दिया आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तुम जितने प्रेम से भगवान को ले जा सकते, वो कहता है अपने मन को साफ कर कर रखो, अपने भीतर को साफ कर कर रखो, अपने मकान को साफ कर कर रखो। मकान से मतलब इस शरीर को, शरीर से मतलब अपनी आत्मा को, आत्मा से मतलब अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाकर रखने का प्रयास करो। और तीसरी शर्त जम के बोल दो जरा, तीसरी शर्त आखिरी की क्या है, मैं बोलूं मकान खाली करने का तब मकान खाली करना, मैं बोल दूं तब यहां से, मैं बोलूं तब यहां से अब जाना सब। आप में से कोई एकाध व्यक्ति ऐसा हो जो कसम खा के आया हो कि मैं मेरे काका जी की कसम मैं मरूंगा नहीं, कौन? हमारे काशी वाले चतुर्वेदी जी बैठे हैं, अभी सतुआ बाबा जी से कहकर उनकी अध्यक्षता में इनने भी एक काशी में शिव महापुराण की कथा सार्वजनिक रूप से ली है, बहुत बहुत साधु। साधु कोई कह दे भला कि हम तो कभी प्राण नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या कर लोगे तुम, हमें नहीं मरना। तुम जित पे अड़ जाओ, कंस जित पर अड़ गया था, रावण जित पर अड़ गया था, हिरण्यकश्यपु जित पर अड़ गया था, हिरण्याक्ष जित पर अड़ गया था, तारकासुर जित पर अड़ गया था, तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की जित पर अड़ गए थे, विदल उत्पल जित पर अड़ गए थे। ऐसा कौन है जो जित पर नहीं अड़ा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है,
पर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव जो इस भूमंडल पर एक बार जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता है, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रोकर जिंदगी निकालोगे या हंसकर जिंदगी निकालोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी अगर रोते भी रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं, अरे उसकी तो आदत पड़ी है रोने की। पूरी जिंदगी रोगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए। पूरी जिंदगी रोते 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 निकालोगे तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको रोकर निकालना है कि हंसकर निकालना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना बड़ा भी रोग आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे दुनिया का व्यक्ति तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना और बड़े मुस्कुराकर जाना तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। अच्छा तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाकर तुम्हारे दरवाजे पर डाल दे तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहां का कचरा मैं फेंकोगी? नहीं, वो तुम्हें अपशब्द कहे तुम क्या करोगी? बहुत जोरदार, बढ़िया जोरदार तैयार वैयार होके और बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करके, जोरदार चोटी मोटी करा के और बढ़िया एक लोटा पानी लेके उसके घर के सामने से मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जाके तेरे मेलों में आग लगे, अपन चले भगवान का भजन काय काय। तो अरे देख लिया हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप सत्य बोलोगे आपको कोई मानेगा नहीं, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे, संसार ही है ये। आप सत्य पर चलोगे आपको कोई मानने वाला नहीं है, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे, संसार ही है। फिर भी सत्य परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, पर सत्य सत्य ही रहता है, कभी दबता नहीं, उजागर रहता, सत्य सत्य रहेगा। झूठ कितना भी प्रबल हो जाए, झूठ कितना भी प्रखर हो जाए, झूठ को कितना भी आगे बढ़ा दो, पर झूठ झूठ रहेगा और सत्य सत्य रहेगा। सत्य को कितना भी दबाया जाए सत्य सामने आता जरूर जरूर आएगा। आपकी जिंदगी में दुख है ना, तकलीफ है ना, कष्ट है ना, आपके जीवन में अगर तकलीफ भी है ना, आप किसके आगे जाकर रोगे? परिवार वालों से कहोगे ना? फिर निवेदन करूंगा, आप कर्जे में आ गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, कर्जा हो गया तो निवेदन है एक बार प्रैक्टिकल कर जरूर देखना, अपने सारे मौसी चाची काकी बुआ फूफा नाना सबको बोलना मेरे को 15 लाख रुपए की जरूरत है, तुम दे दोगे क्या? बोलो बोलो जम के बोलो, कोई देगा? अरे जम के तो बोलो, देंगे नहीं बल्कि 10 जगह और फोन करके बोल देंगे, कौन? वो बिमला भाई आई थी, ओके छोरा को लेके। अच्छा क्या हो गया? ओके छोरा के घाटा लगी गया। अच्छा घाटा लगी गया? हाँ पैसा मंगने आई थी 15 लाख रुपया, तो मैंने तो नहीं दिया, इतने में तू भी ध्यान रखना, मंगने आए तो मत दीजिए। निंदा करने वाला व्यक्ति कहीं का गुंगा भी होता है ना तो वो भी निंदा करने के लिए जीवन ले आता है। तू मत देना 15 लाख, तू मत देना 1 रुपया भी, 15 लाख तुम्हारी जिंदगी में अगर कभी तकलीफ आई दुख आया तो किसी से मांग कर देखना, 15 लाख देना भैया, 15 लाख देना भैया, सेठ जी भैया तुम तो दुकान वाले के पास जाओगे तो कहेगा तेरे पास गोल्ड रखा हो सोना रखा हो तो लाके दे रहे, मैं सब देखे 15 लाख दे दूंगा, जमीन रखियो तो गिरवे रख दे मैं 15 लाख दे दूंगा, मकान रखा हो तो गिरवे रख दे मैं 15 लाख दे दूंगा। 15 लाख कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है, 5 लाख रुपये कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है, 1 लाख रुपया कोई किसी को देने को तैयार नहीं है, और तुम रोना रोने बैठे हो अपने रिश्तेदार के पास मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा ऐसा हो गया, जो तुम्हें 5 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 1 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 15 लाख नहीं दे और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें लाख मारकर भगा दे और तुम रोते हो उसके पास में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार वालों के पास जाकर मत रोना, रोना तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा के चरणों में जाकर रोना, कहना तो मेरे भोलेनाथ से, कहना तो मेरी देवा मैया से, कहना तो मेरी नर्मदा मैया से, कहना तो मेरे कुबेर भंडारी से, कहना तो मेरे पशुपतिनाथ से, कहना तो मेरे विश्वनाथ से, कहना मेरे महाकाल बाबा से, कहना मेरे शंभू से, कहना शिव महापुराण की कथा में बैठकर ये भगवान शंकर के सामने बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ये दुख है और तू काटेगा। सबके हाथ पर जोड़कर देख लिया, सबके पास जाकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई मेरा दुख काटने वाला नहीं है, अब काटेगा तो तू काटेगा। जब उस पर भरोसा कर लोगे, पूरे आश्रित हो जाओगे, उसके सहारे चलोगे तो शंकर भी कह देगा अब तूने मुझे अपना मान ही लिया है तो तेरा दुख मेरा दुख है, मैं काटूंगा, थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत करना, तू मेरे मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाती देना और अपना विश्वास पक्का करती देना कि मेरा शंकर मेरे साथ है। जल चढ़ाना मतलब विश्वास को पक्का करना, शंकर के मंदिर जाना मतलब विश्वास को पक्का करना, कथा में जाना मतलब विश्वास को पक्का करना। शिव महापुराण की कथा में मिलता क्या है? आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कठिन है तो ये मीठी वाणी शब्द, आपकी वाणी के जो शब्द हैं सबसे कठिन है कि अगर अच्छी वाणी मिल जाए, अच्छे शब्द मिल जाए, अच्छा विचार किसी का मिल जाए आज के जमाने में, ये समझ लेना कि परमात्मा की कृपा, ये भगवान की दया। अच्छे विचार नहीं मिले ना तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं हुई। एक डाकू मर गया और डाकू मरा उसके बाद में एक संत मर गया, एक संत एक साधु एक गुरुजन एक मर गया, डाकू भी मरा संत भी मरा, दोनों मरे, दोनों ऊपर गए,
पूछा गया, धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो, तो कहा मैं डाकू हूँ, मैंने जिंदगी भर लोगों को कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने लोगों का धन एकत्रित किया और अपने परिवार को दिया और मैंने लोगों को मारा काटा परेशान कर दिया, मैं डाकू हूँ, आप मेरे कर्म का जो भोग भुगताना चाहते हो वो भुगता सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलोगे मैं अपने कर्म का भोग भोगूंगा क्योंकि मैं डाकू हूँ। कलकत्ता में कहा था अपने पाप परमात्मा के सामने जाकर जरूर बोलो कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा किया है, अपने पाप परमात्मा के सामने जरूर बोलो। डाकू ने कहा मैं डाकू हूँ, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप मुझे जो कर्म का भोग भुगताना चाहते हो मैं भोगने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद संत जिनके प्राण छूट गए थे वो आए, उनसे पूछा तुम कौन हो, तो कहा मैं संत हूँ, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था, मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक है, डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो तुम इस संत की सेवा करो, तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो, जाओ ये संत जहां रहेंगे इनकी सेवा करो, वैकुंठ में जहां ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए, संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा, मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि डाकू है, इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा, मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाए, भगवान वैकुंठ के पार्षद बुलाए जाए, मेरी सेवा के लिए कोई दूसरे को रखा जाए, पर डाकू मुझे नहीं होना। धर्मराज ने कहा ठीक है डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप कर रहे हैं, आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औधे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके, जाओ अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी, अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है, भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूं, अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं कपटी, मैं छली, वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगा, अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं, एक अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा, और दूसरा अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंडी हमको नहीं पीटना, ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है, हमें तो एक काम करना है, जाई विधि राखे राम पाई, श्रेष्ठ कर्म करते चले। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कौन तुमसे कह रहा है, कोई तुमसे कह रहा है कि देखो ये सियोर वाले महाराज की चेली आ गई, तुमसे लोग कहेंगे ये आ गई सन्यासन भाई, ये आ गई नर्मदा जी की चेली, ये आ गई भोलेनाथ की भक्तन, दुनिया के लोग तुम पे ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, एक रत्ती का मत घबराना, अगर कोई कहे कि ये आ गई सियोर वाले महाराज की चली, ये आ गई शंकर जी की भक्त, ये आ गई कथा सुनने वाली, ये देखो ये चल दी एक लोटा पानी लेकर, नहीं घबराना नहीं, जब मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा एक लोटा जल लेकर महादेव को चढ़ा सकती है, माँ उमा, माँ कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्रदेव, वरुणदेव, गरुणदेव, ऐसा कौन देव है जिसने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, एक देवता का नाम बता दो जिसने शिव की आराधना न करी हो, जिसने शंकर की आराधना न करी हो, एक देव ऐसा जिसने शिव की आराधना ना करी हो, जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो, संपूर्ण विश्व के जितने जितने देवाधिदेव महादेव संसार में है, जितने देवाधिदेव महादेव की आप और हम पूजन करते हैं वो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, कोई गाली दे शिव के मंदिर को मत छोड़ना, कोई अपशब्द कहे शिव के मंदिर को मत छोड़ना, कोई कहे मेरे ऊपर इतना दुख आ गया अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, नहीं, उसके दरवाजे जाते रहो, उसके चौखट पर जाते रहना और उसको अपना चेहरा दिखाते रहना, जिससे उसको भी मालूम पड़े कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये मेरे दरवाजे को नहीं छोड़ी है, मतलब ये मेरी है, कहेंगे ताना देने वाले कहेंगे, अब सब तो कहने वाले कहेंगे, बंजर भूमि पर अगर बीज बोगे तो चार लोग अकल देने के लिए आएंगे, अरे जमीन बेकार है रे, काहे को बीज बो रहे हो, जिसका मकान में तुम रह रहे हो ना, उस मकान में एक महीना, दो महीना, चार महीना अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, नया मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया, और उसमें तकलीफ आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, एक जनी को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा जीना बेकार है, सीढ़ियां बेकार है, दूसरे को पकड़ के लाए, उसने कहा तुम्हारी बाथरूम बेकार है, इसको इधर बनना थी, तीसरे को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा ये काम बेकार है, ये बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया था, इसको माइंड का और शरीर का दोनों का पैरलिसिस हो गया था, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और इसको खड़े
कम हो। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक होकर आए। बोल हर हर महादेव। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में न जाना कुबेर का। गंग धार मुक्ति बोले आयो दुनिया। बोले बोलने दो दुनिया, आप शब्द का ही कहने दो, तुम्हारी शिव भक्ति कम मत होने दो, तुम्हारा भजन कम मत होने दो। अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया, हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष अरे बड़ा हुआ तो उसको पिता ने बता दिया कि ना तो तुम्हारी कोई माँ है ना तुम्हारा कोई बाप है, तुम तो जल में बहकर आए थे तो मैंने तुमको पाल पोस कर बढ़ा कर। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूँ ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, प्राण दिए हैं परमात्मा ने तो लेगा जरूर, एक दिन घर तो खाली कर जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़कर जाना ठीक है, वर दो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, क्योंकि इसको मालूम था मेरी माता कोई नहीं है, मेरा पिता कोई नहीं है, इसको लगा। आया समय, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, अंधकासुर अकेला रह गया। और अंधकासुर ने विचार करा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं विवाह करूं, विवाह किससे करूं, जो सबसे सुंदर हो उसका पता लगाओ। तो असुरों ने पता लगाया कि सबसे सुंदर तो केवल एक ही है और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा माँ दुर्गा भवानी माता पार्वती के सिवा कोई सुंदर नहीं, कोई सुंदर माँ से बराबर कौन सुंदर हो, माँ के बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं है ऐसा कोई। और बच्चा बेटा बेटी माता पिता के बच्चे कैसे भी है ना, पाँव से अगर तकलीफ है, कान से तकलीफ है, शरीर काला भी है, कैसा भी है, बच्चा कैसा भी है, पर किसी माँ बाप से पूछा जाए कि उसकी औलाद की कीमत उसके लिए क्या है, तो वो हमेशा अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा ही कहती है, चांद का टुकड़ा मेरा बेटा का चांद। अब माँ अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी का वर्णन जैसे ही करा गया, वर्णन सुनते ही श्रवण करते ही मन में आ गया कि बस अब तो पार्वती को अपना बनाना है, कहाँ मिलेंगी माता पार्वती को, अपना बनाने के लिए जा रहा है कि पार्वती से विवाह में करो, उनकी तो शादी हो गई, उनका तो विवाह हो गया, विवाह हो गया, हाँ शादी हो गई, हाँ किन के साथ, देवाधिदेव महादेव के साथ, शिवजी के साथ, हाँ तो वो तो शमशान के वासी हैं, ओघड़ी हैं, कैलाश पर रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहुओं से निवेदन है कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि सास के पास कुछ भी नहीं है, कभी गलत फहमी में मत रहना। मेरा बहुओं से निवेदन है कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे गुरु के पास कुछ नहीं है, कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे ससुर के पास कुछ नहीं है, कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। अगर धन नहीं होगा ना तो दिल की दुआ आशीर्वाद बहुत होगा और वही तुम्हारा कल्याण कर देगा, वही तुम्हें सुख का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें आनंद का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें खुशियों का अनुभव करा देगा, प्रसन्नता। नहीं चाहिए चाबी, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए धन, प्रयास करना कि माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए ना। भगत अगर माता पिता की दौलत मिल भी गई और बच्चे अच्छे नहीं निकले, मालूम पड़ा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं डब्बे में पैसा लगा दिया, व्यापार में लगाया, पूरा नाश करके बैठ गया, मदिरा में लगा दिया, जुए में लगा दिया, सब नाश कर बैठ गया, और अगर धन नहीं भी मिला ना और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया, घर के माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, किसी बुजुर्ग का अगर आशीर्वाद मिल गया, तो याद रखना भले जमीन नहीं मिली दौलत नहीं मिली पर बुजुर्गों का माता पिता का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो वीराने में भी महल बना लेता है और नहीं तो महल को भी वीराना बना देता है। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बिना आशीर्वाद के सुख अनुभव नहीं होगा। श्रेष्ठ आशीर्वाद व्यक्ति को सुख की ओर लेकर जाता है, सुख की। अंधकासुर गया सामने, माता पार्वती जी कुछ कार्य कर रही थी, अब घर की स्त्री है, घर की नारी है, काम में लगी रहती है,
स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है। जम के बोलिए, क्या कहलाता है? देवता। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, और स्त्री को अपनी बराबरी पर लाकर अपने बराबर का मानकर चलने वाला महादेव कहलाता है। मेरे देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी का सम्मान तो किया, पर मेरे महादेव ने अपनी पार्वती को बराबर में लाकर बिठाया है। मेरी पूजन होती है तो तेरी भी होगी, मेरा स्मरण होता है तो तेरा भी होगा। तू मेरे साथ मेरी बराबरी पर बैठेगी, मेरे साथ ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी थोड़ी दूरी पर बैठी हैं, पुष्प पर बैठी हैं, लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरणों में बैठी हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं, अगर कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करोगे तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास बाजू में बैठी, बिल्कुल पास में। नारी का जो सम्मान दे वो देव कहलाता है, नारी का जो सम्मान करे वो देव कहलाता है, वो देवता कहलाता है, वो देव कहलाता है। और जो नारी को अपने बराबर का समझकर उसको सम्मान देकर अपने बराबर पर बिठाए उसको महादेव कहते हैं, वो महादेव कहलाता है। स्त्री नारी वो तुमसे कम नहीं है, तुम अगर खेत पर काम करते हो ना तो वो भी खेत पर काम करती है, वो भी खेत पर काम करती है। तुम ऑफिस जाते हो थक जाते हो, तुम दुकान पर जाते हो थक जाते हो, वो भी सुबह से उठती है, तुमसे पहले उठती है, घर का काम करती है, दिन भर काम करती है, टिफिन बनाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल भेजती है, परिवार में माता पिता कुटुंब बहन भाई सबको संभाल कर चलती है। तुम ऑफिस से आते हो थक जाते हो, तुम ऑफिस से आते हो थके दिखते हो, तुम दुकान से आते हो थक जाते हो, तुम्हारे हाथ में पानी लाकर देती, तुम्हारे लिए भोजन बनाने का काम करती है, सब कुछ करती है, आगे बढ़कर तुम्हारा आदर करती है। और हम क्या समझते हैं कि ये हमसे छोटी है, हम इसको ऐसा करें, हम ऐसा दबा कर चलें? ना, मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपने बराबर का समझा और बराबर के लेवल पे लेकर चले। सम्मान दीजिए, तुम काम कर रहे हो तो वो भी काम कर रही है, तुम कमा रहे हो तो वो भी घर में कार्य कर रही है, एक बराबर का काम करती है, एक बराबर का। और किसी किसी नौकरी करने वाली मेरी जीजियों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बहनों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बेटियों को देखना, पति भी नौकरी कर रहा है और पत्नी भी नौकरी कर रही है, उस घर की स्थिति देखना, पति नौकरी पर जा रहा है, पत्नी नौकरी पर जा रही है, पति नौकरी पर जाने से पहले अपना काम करता है, तैयार वैयार होगा, सामान लेगा, चलेगा, पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने बच्चों की व्यवस्था करती है, पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने घर की व्यवस्था करती है, पत्नी सुबह उठकर नौकरी पर जाने से पहले सारी व्यवस्था कर जाती है, तुम भी नौकरी से आते हो वो भी नौकरी से आती है, तुम भी सर्विस से आते हो वो भी सर्विस से आती है, तुम सर्विस से आते हो बैग पटक कर सोफे पर बैठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठ जाते हो, और वो सर्विस से आते ही कपड़े बदलते ही रसोई घर में जाकर तेरे लिए चाय बनाकर लाकर देती है। सर्विस वो भी कर रही है, सर्विस तुम भी कर रहे हो, नौकरी वो भी कर रही है, नौकरी तुम भी कर रहे हो। भगवान शंकर की कथा कहती है, नारी को सम्मान देना तुम देव कहलाओगे, पर नारी को बराबर पर लाकर खड़ा कर देना तुम महादेव कहलाओगे, अपने बराबर का समझ। ये मेरे साथ है कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेरी अर्धांगनी, मेरी पत्नी, मेरी नारी, ये स्त्री, मेरी माँ, मेरे घर की मेरी बहन, मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरे घर की पत्नी, ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। मेरी दुख की घड़ी में मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े हैं। घर की स्त्री को तुम अपने बराबर का समझोगे तो दुनिया में कभी नहीं हार सकते, आगे बढ़कर निकल कर चले जाओगे। स्त्री को बराबर पर लाई, पति झिझक कर देता है, तुझमें अकल नहीं है, चल भाग यहां से, तू तो मूर्ख है, तेरे को क्या बताऊं, क्या सारा दुकान का टेंशन तेरे को दे दूं, चल तेरे में अकल नहीं है। और जब फंस जाते हो तब वही अकल देती है, सुनो मेरे पास में सोने का मंगलसूत्र और दो चूड़ी रखी है, तुम कुछ गलत काम मत करना, तुम मरने की ना ही सोचना, हो गया ना, कोई बात नहीं, ये मंगलसूत्र चूड़ी ले जाओ, सुनार के यहाँ देना और कह देना थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को कर्जा हो गया है, बाद में वही काम आती है। और फिर निवेदन करूंगा, दुख की घड़ी में जैसे घर का सोना दुकान पर चले जाता है, पैसा आ जाता है तो तुम्हारा कर्जा चूक जाता है, दुख की घड़ी में अगर सोना दुकान पर जाता है, दुख की घड़ी में तुम्हारी जमीन गिरवे रखाने के लिए जाती है, तो निवेदन करूंगा दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए, जमीन गिरवे पर जाए, उससे पहले तुम मेरे महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाने चले जाना। अगर तुमने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, कितना भी दुख है, कर्जा हो गया, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा, ये कंपनी भी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही, ये दुख आ गया, बीमारी आ गई, दस जगह जाने से पहले तुम्हारा धन दुकान पर जाए, उससे पहले तुम मेरे महादेव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, अपने मुख उच्चारण में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो। ये जिंदगी का वो तत्व है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हमसे किसी ने कहा, गुरुजी भगवान भक्त के पीछे चलता है, हमने ऐसा सुना है, भक्त को सपोर्ट करने के लिए, भक्त को सहायता देने के लिए भगवान पीछे पीछे चलता है। हमने उससे कहा, हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भक्त के पीछे नहीं चलता, मेरा महादेव तो अपने भक्त का हाथ पकड़कर साथ चलता है, मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी हाथ पकड़कर साथ चलता है, वो पीछे नहीं चलता, वो साथ चलता है। और हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, क्या चिंता करना है?
अरे अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथ, अपने जीवन का सारा भार दे दिया, सब कुछ संपूर्ण भार दे दो मेरे भोलेनाथ जी को, जो होगा देखा जाएगा। हम उसके आश्रित हो गए और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। पूर्ण आश्रितता। अंधकासुर ने माता पार्वती जी को देखा और उनको पाने के लिए ललकता से आगे बढ़ा। जैसे ही पार्वती जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है, अंधकासुर बस आगे बढ़ा ही था, इतने में पार्वती मैया ने जो पलट कर देखा, उनका तो मात्र तो झलक रहा था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शंकर भगवान ने देखा कि ये बेटा तो है परंतु माँ को गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए भोलेनाथ जी ने तुरंत काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव को प्रकट करा और कहा इस अंधकासुर को मार दो। काल भैरव मतलब क्या? शिवजी ने काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर को मार दिया। अंधकासुर माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहा, काल भैरव हमारे कर्म, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा है, आपने किसी को गलत शब्द कहा है, आपने किसी के लिए अपशब्द कहा है, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, मतलब आपको भोगना तो पड़ेगा। मरने से पहले भोगना है, मृत्यु के पहले आपका प्राण भोगना तो है। शिव कथा कर काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर के प्राण छूट गए। अंधकासुर के प्राण छूटे तो हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ गया कि मेरा भतीजा मर गया, मेरा भतीजा मर गया और देवताओं ने मार दिया भतीजे को। क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को और हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और क्रोध आया तो वो तप करने गया। तप करने गया तो इसकी पत्नी गर्भ से थी। इसको देवताओं ने विचार करा कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी हिरण्यकशिपु जैसा होगा। देवता पत्नी को लेकर जाते हैं तो देवऋषि नारद छुड़ा लेते हैं। पत्नी को छुड़ाया, देवऋषि नारद ने गर्भवती नारी को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया कि गर्भ में जो बालक था वो जन्म लेते ही भगवान के नाम का हिलाप करा तो उसका नाम प्रह्लाद हो गया। भगवान के नाम का हिलाप करा तो उसका नाम प्रह्लाद हो गया। सुनिए ना प्रह्लाद की कथा, अरे बोलो तो जमके सुनिए ना, सबने सुनिए ना। खोलते तेल में डाल दिया गया, मरा नहीं। अग्नि में डाल दिया गया, मरा नहीं। खोलता तेल क्या है, अग्नि क्या है? संपूर्ण दुनिया का आडंबर, प्रपंच, दुनिया का क्रोध, अपशब्द सब प्रह्लाद पर दिए गए, पर प्रह्लाद नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज के बेटा बेटी जरा सा एग्जाम में पास नहीं हो पाते और मरने की सोच लेते हैं। घाटा लग गया, मरने की सोच लेते हैं। किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी निकल गई, अब काय की जिंदगी, मरने की सोच लेते हैं। पैसे की कमी आ गई, मरने की सोच लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बार बार प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन से काम करो, पर मरने का विचार मत करो। ज्यादा जो लोग अगर ज्यादा ताने दें तो उनकी छाती पे बैठ के मूंग दलो, पर मरने का प्लान मत करो। हमने कई बार कथा में कहा, कई माताएं झगड़ा करके अपने घर चली जाती है, झगड़ा करा और अपने घर को जाए। झगड़ा हो भी गया ना, घर नहीं जाऊंगा, घर के लोग कहें भी ना जा तेरे बाप के घर जा, तेरे माता जी के घर जा, तेरे भाई के घर, तो उसको स्पष्ट बोलता हूं नहीं जाऊंगी, जा नहीं जाना, जा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और कितनी भी लड़ाई हो जाए खाना मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कितनी भी लड़ाई हो जाए अपनी डेंटिंग पेंटिंग मत छोड़ो, कितनी भी। कितनी लड़ लो, ज्यादा लड़ाई हो रही ना तो जाओ और दो पराठे अच्छे जोरदार बनाओ। जितनी लड़ाई हो ना अंदर जाके चौके में से चिल्ला चोट कर लो, पर भड़े लड़ो और खा खा के लड़ो। और कहां जाओ, रसोई घर में, और रसोई घर में जाके और आटा निकालो, अच्छे बेहतरीन आलू के पराठे। कितनी लड़ाई हो बढ़िया आलू के पराठे, आटा उसनो और आटे पे अपनी पूरी पूरी गुस्सा निकालो, आटे पूरी गुस्सा निकालो और पराठे को ऐसा पलटे, पराठे पे अपना गुस्सा निकाल लो, पर घर छोड़ के इतना ही झगड़ा हो जाए, इतनी लड़ाई हो जाए तुम्हें भड़काने वाले, तुम अगर झगड़ा कर चली जाओगी ना, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मायके में भी ऐसे लोग मिलेंगे, घर के लोग कुछ तो समझाने वाले मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे, हाँ रेंदे अपन तो केस कर देंगे, तलाक ले लेंगे, यही करे
क्या करना, 5-10 लाख रुपए ले लेंगे, जान दे उधर, दूसरी जगह शादी कर देंगे। नहीं, बल्कि समझाओ, अभी तो ऐसा ही मिला है, भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होगा, अभी तो ये मिला है, इससे भी जोरदार मिल गया तो। इसलिए जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम, सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम कर दे रही है, जाई विधि राखे राम, जाई विधि रही। बस जैसा भगवान ने दिया है रखा है, इसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है, इसको श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है, और इसको जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने का हमें कार्य करना, जितना अच्छा कर सकते, जितना श्रेष्ठ कर सकते हैं उतना श्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु तप करने गए, पत्नी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, नाम भगवान का लेकर आह्लाद किया, प्रह्लाद नाम हो गया, सारा कर्म कर लिया, बच्चा नहीं मरा, प्रह्लाद नहीं मरा। गर्भ का ज्ञान देवऋषि नारद ने दिया था, ऐसा ज्ञान दिया देवऋषि नारद ने कि बालक भगवान की भक्ति में डूबा रहा। यह गर्भ का ज्ञान होता है जो बच्चे को बता देता है कि उसको कैसा बनना है, यह गर्भ का ज्ञान। इसलिए पहले की माताएं कहती थी कि गर्भ में जब बच्चा रहे, रामायण सुनो, भागवत सुनो, शिवपुराण सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, गीता जी पढ़ो, बहुओं से कहती थी माँ कि भजन कीर्तन करो, पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट। गर्भ में बच्चा आया, 4-5 महीने हुए कि पलंग पर पड़ी रहो, और पलंग पर पड़े पड़े दिन भर वो मोबाइल, और ना जाने कहाँ कहाँ का सीरियल, ना जाने कहाँ कहाँ का नाटक, ना जाने कहाँ कहाँ की बुराइयाँ, दिन भर देखती रही टीवी के सामने, नाटक देखती रही, दिन भर सीरियल देखती रही, और वो सीरियल देखते देखते 9 महीने बाद जो औलाद पैदा हुई वो भी नाटक करने वाली पैदा हो गई, वो भी नाटक करने वाली, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, गोदी में सुलाओ तो चुप रहे, ऐसी नौटंकी औलाद, औलाद भी ऐसी पैदा हुई नाटक वाली, नीचे सुला दो तो रोए, गोदी में सुलाओ तो नहीं रोए। रात को 12-1 बजे तक तुम भी टीवी देखती थी, रात को 12-1 बजे तक तुम भी मोबाइल चलाती थी, तो औलाद भी ऐसी, तो थपथपा रही, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा, चंदा मामा आएगा, दूध कटोरा लाएगा, सो जा सो जा सो जा, औलाद भी सो जाए, औलाद भी कह दे मम्मी तू सो, पर मैं नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी होगा, इतनी इतनी सी औलाद, 12-12, 1-1 बजे तक रोए, और जैसे ही माँ के सोने का समय हुआ बस उसकी माँ की आंख में नींद आई, और इतने में ये रोना चालू, क्योंकि इसको मालूम है नाटक तुमने करा है, तो मैं भी नाटक करूंगा, तुमने नाटक देखा है मैं भी नाटक देखूंगा, बस उसने सीरियल का पूरा पूरा असर आया, वो सीरियल पूरा पूरा। इसलिए गर्भ में जब संतान हो तो भगवत भजन में लगाइए, गर्भ में संतान हो भगवत स्मरण में लगाइए। नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया प्रहलाद जी के समय पर, पूछ लिया भगवान कहाँ, समझ नहीं कहाँ है भगवान, सर्वस्व है भगवान, कहाँ नहीं, प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में, हर पल हर जगह परमात्मा निवास करता है, हर जगह परमात्मा है। अच्छा, खंभे में गदा का प्रहार करा, खंभा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ, प्रहलाद को नरसिंह जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ। समय बीता, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, चारों तरफ हाहाकार मच गई, नरसिंह भगवान गुस्से में लाल होकर बेकुंठ चले गए, लक्ष्मी मैया दूर हट गई, बेकुंठ को तोड़ फोड़ दिया, जहां जाते तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध इतना भलभला रहा था, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का कि सारा क्रोध नरसिंह भगवान का यहां था, सब इंद्र लोग जाए तो इंद्र लोग तोड़ दें, बेकुंठ लोग जाए तो बेकुंठ लोग तोड़ दें, सारे देवता हाथ जोड़कर महादेव के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा करिए दया कर। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया, नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि जहां जाते हैं सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे देवता मुझ में समा जाओ, शंकर भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवता मुझ में समा जाओ। बहुत सरलता में समझिएगा जरा, गणेश जी की पूजन अलग करना है, पार्वती जी की पूजन अलग करना है, कार्तिकेय की पूजन अलग करना है, राम जी की पूजन अलग करना है, कृष्ण जी की पूजन अलग करना है, देवी जी की पूजन अलग करना है, देवता जी की पूजन अलग करना है, और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ, सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता, 33 कोटि देवता। शिव जी ने कहा मुझ में समाओ, सारे देवता समा गए, शंकर भगवान सरंब पक्षी का रूप धारण करे उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी नरसिंह भगवान तो वहां से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से, जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है, वहां के
पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहां पर भगवान शंकर ने सरंभ पक्षी का रूप धारण कर श्रम्भेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला और उस नदी में भगवान नारायण ने तब साधना करी थी। तब ज्योतिर्लिंग की कथा का हम स्मरण करें, उससे पहले संपूर्ण माहेश्वरी समाज को, पूरे देश और विदेश में बैठी हुई संपूर्ण माहेश्वरी समाज को आज महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा से अपने नजदीक में, अपने नगर में, अपने आसपास में कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से चलकर आपके यहाँ पहुंचे तो उसको दिल से सुनना, क्योंकि कथा केवल अकेली नहीं आती है, इस कथा के रूप में मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार बनने के लिए आता है। दिल से सुनिए, इतनी कृपा है मेरे बाबा की, जरा विचार करिएगा। पीछे के 3 दिन रोज पानी आया ओमकारेश्वर पे, उधर मेरे ओमकारेश्वर बाबा पानी को वहां रोक लेते थे, इधर से मेरी नर्मदा मैया पानी को रोक लेती थी और बीच में कथा चलती रहती थी। इधर भी खूब पानी गिरा सनावत, इधर मोटक का आसपास के क्षेत्र में खरगोन खंडवा में खूब हवा पानी चलता रहा, पर मेरे बाबा ने इसको शिव कृपा कर दिया, संभाल। 7 दिन कथा के बाबा ओघड़दानी ने संभाल कर ये पवित्र कथा का स्थान किया। कोई करने वाला है तो वो देव अतिदेव महा, उसके सिवा संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो कहूंगा गंडई वालों को, आपके यहां जो कथा होने वाली है 18 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, दिल से सेवा करो, दिल से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। और उसके बाद में वो कथा 24 तारीख को पूरी हो जाएगी, 30 तारीख को जो विदिशा में होने वाली है। मध्य प्रदेश में वैसे भी शिव महापुराण की कथा का करने का मौका हमको कम ही मिल पाता है, क्योंकि बाहर ही ज्यादा जाना पड़ता है, पर विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा मिल रही है। आसपास सिरोंज, विदिशा, बैरसिया, रायसेन, पूरे क्षेत्र के लोग ये विदिशा की जो 30 तारीख से कथा है उसको अपने जीवन में धारण कर मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी आपकी विदिशा में पधार कर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ दें, उसको अपने जीवन में उतारो और एक बार प्रयास करो कि बाबा की कथा सुनने का फल क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है। प्रयास करिए, वो शिव तत्व है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, काया का रोग हो गया था, चंद्रदेव को भगवान शंकर ने ठीक किया तो सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति महाकाल बन गए। ओंकारेश्वर बाबा का चरित्र आपको पहले भी वर्णन करा, बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को विराजित करा और भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित हो। अगला वर्णन आता है श्री केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर शिव जी को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारने के लिए शंकर भगवान प्रकट हुए और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम बाबा का माहिल्या का कल्याण करते हैं। माहिल्या शिव कथा कहती है, वैद्यनाथ बाबा का वर्णन किया, रावण भगवान शंकर को लेकर चले पर शिव जाना नहीं चाहते थे लंका, इसलिए मध्य में ही विराजमान हो गए तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए, भगवान शिव ओघड़दानी है, शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त। कभी मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करिए, कभी मौका मिले श्रावण महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करिए, कभी मौका मिले तो श्रावण में 2 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का प्रयास करिए। कांवड़ यात्राएं चलती हैं, उसमें भी शिव जी का स्तुति होती है और 12 आनंदमय, भगवान कृपा करे 12 महीने में 1 महीना श्रावण का जो आता है वो भगवान शिव के करीब में लाने का एक मौका है, भगवान शिव के पास आने। आप लोग तो कांवड़ यात्राओं का बहुत दर्शन करते हैं, जाते भी हैं, कभी एक बार मौका मिले ना तो सीहोर सीवन नदी से 11 किलोमीटर की कावड़ भराती है मेरे कुबेर भंडारी की, माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ता है, 11 किलोमीटर तक बाबा की कावड़ जाती है। इस बार की जो कावड़ है हमारे साथ में चलने वाली वो 18 अगस्त दिन रविवार की रहेगी, आप सब आमंत्रित हैं बाबा की कावड़ यात्रा में जरूर। आपकी बार की जो कावड़ जाएगी सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर की, खूब प्रेम से बाबा का भजन करते हुए, आनंद करते हुए, भक्ति करते हुए 18 अगस्त की एक दिन की कावड़ का आप भी आनंद लेने के लिए और बाबा के उस आनंद में मेले में पधारो। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चलती है, आसपास के गांव के लोग कावड़ ले लेकर बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ आते हैं, पर एक दिन हम भी माँ सीवन का नदी का जल लेकर सीहोर से बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ जल चढ़ाने के लिए चलते, आपके साथ पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए, बोलबम का नारा है। और जो लोग
सीहोर की कावड़ भरे होंगे, उनसे पूछना साल भर में मेरे बाबा ने क्या क्या नहीं दिया उनको, उनसे पूछो। जो बच्चा बच्ची नौकरी के लिए आधिकारिक कार्य के लिए आते हैं, रोग मुक्ति के लिए आते हैं, बाबा ने क्या नहीं दिया उसे पूछिए। समय आया, आगे वर्णन आता है सुंदर वेदनाथ जी का, फिर वर्णन आया है सुंदर नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संघार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वर जी का, राम जी ने स्थापना कर भगवान शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई की। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी थी सुदेहा घूषमा, घूषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तब घूषमा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित वापिस करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर महादेव, भगवान शिव का नाम पड़ जाता है। भगवान शंकर आनंद की राशि 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है ज्योति के पुंज के रूप में। तुम रुखा जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त होता है और तुम अभी तक जो बेधव्य थी इस शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद तुम अखंड सौभाग्यवती होती हो और अपने पति के धाम को चली जाती हो। जो मनुष्य, जो नारी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े जिस भाव से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं वो भगवान शिव कहते हैं मेरे धाम को ही जाते। 12 ज्योतिर्लिंग की इस पवित्र धारा पर बिठले सेवा समिति द्वारा जो दूसरी कथा, पहली उज्जैनी दूसरी ओंकारेश्वर में, यहाँ आज विराम लेने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने, दोनों विधायक महोदय ने और हमारे टेंट वाले श्री नरेंद्र साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बड़ी मजबूती से और बड़े आनंद के साथ यजमान पद को ग्रहण किया, पर यजमान पद के साथ में पूरा ध्यान इन्होंने टेंट पर भी दिया और मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में भी दिया। साधुता आया, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक महोदय नरेंद्र जी पटेल जी को, माननीय सचिन जी बिरला जी को, जिन्होंने अपनी टीम और पूरा आनंद, आप लोग बैठे रहिए, आज बाबा की आरती ना हो तब तक ना जाएं, 2-4 मिनट की और देरी है, पूरा आनंद लेकर आप लोग जाइएगा जल्दी। किस बात की है, ट्रैक्टर नहीं छूटेगा, ट्राली नहीं छूटेगी, बस नहीं छूटेगी, गाड़ी वहीं है, बाबा का मेला ठेला है, थोड़ा समय लग सकता है पर आनंद लेकर जाएं। बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ इस क्षेत्र के पंचायत महोदय को, पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, टीआई और एक एक पुलिस बल को, जिन्होंने धूप में पानी में खड़े होकर ये अपार लाखों की संख्या में आए हुए भक्तों को संभाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्किंग व्यवस्था को संभालने वालों को, भोजन व्यवस्था संभालने वालों को, भोजन बनाने आई छत्तीसगढ़ की टीम को, हलवाई साहब को और वेणुगोपाल जी को, जिन्होंने इस सुंदर भोजन व्यवस्था को संभाला। सारे गांव के सरपंच, पटेल, जितने भी हैं पंचायत के सदस्य, सब ने एक एक कार्यकर्ता ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी का नाम चूक जाएगा तो मुझे दुख होगा, एक एक बच्चे ने, एक एक व्यक्ति ने इस संपूर्ण कार्य को संभाला। मैं संपूर्ण पुलिस प्रशासन को, संपूर्ण कलेक्टर महोदय, आधिकारिक कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी और टीआई महोदय और चिकित्सा विभाग और जितने भी विभाग हैं प्रशासन के, सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी है और भाव से ये कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में दोनों विधायकों को आमंत्रित करता हूँ कि ज़्यादा लंबा समय ना ले। प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नतमस्तक होकर समस्त भक्तों की ओर से प्रणाम करता हूँ। आज कथा का 7वें दिन का समापन दिवस है और 7 दिन तक पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से, अमृत भाई माणी से शिव महापुराण का कथा का वाचन किया गया। हमको सेवा करने का मौका मिलेगा और सेवा हमने बड़े भाव भी ओर कर अल्प समय में, समय कम था, सभी का इस आज समापन अवसर पर आभार मानता हूँ, धन्यवाद। नर्मदे। हम सब लोगों को पिछले 7 दिन से गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज साहब के सानिध्य में शिव महापुराण की कथा का हम सबको लाभ मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर हो रहा है, इसके पीछे भी कई पुण्यों का हमारा योग होगा क्योंकि बरसों बरस लग जाते हैं गुरुदेव की कथा का आगमन होने में। सभी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, जो हमसे सेवा बन पड़ी हम सबने की और कोई त्रुटि रह गई तो हम सबको माफ़ करना, और सभी कार्यकर्ताओं का, गाँव का नाम नहीं ले सकता, नगर पंचायत, सभी मुंदी, पुनासा, खंडवा, बड़वा, सनावत, बेड़िया, सब दूर के कार्यकर्ता लगे, वो सब ने अपने अपने सामर्थ्य से खूब सेवा करी, सबको बहुत प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव बहुत जल्दी और आपकी कथा इस क्षेत्र में हो ऐसे भाव भी व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नर्मदे। हरे हरे नारा ओमर, हरे हरे माधुरी, हे नारायण पुराण, हो राम कल्याण भारी, हो हरे 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 माधुरी, निगुण सभी ज्ञानी हो नर नारे, हो नर कोई नर नारे, हे शिवानंद स्वामी अमर हरार पावे, युग समुद्र पावे, हो हरे 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 माधुरी, हे शिव हो मारा, हो जब जिस शिव हो मारा, जिस पारे बच का प्यारा, भोले भोले नाथ महाराज, हरे 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 ह
निगम मन को पर धरती नहीं।